हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आप अब पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर सेकंड में, यानी कि अब हम पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे कैसे जो है डेमोक्रेसी होते हैं, इलेक्शंस होता है इंडिया में, क्या प्रोसेस है इंडिया में इलेक्शंस का। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन सिस्टम हमारे यहाँ कैसा है, फर्स्ट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP, और पूरे इंडिया में जो हमने देखा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी थी, जैसे जैसे कि हमने इंडिया में हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जाम्पल लिया था गाजियाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसके लिए मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि जो MLAs हैं और जो MPs हैं वो कैसे जीतते हैं और अलग अलग पार्टीज हैं वो कैसे काम करती है, तो आपको सब याद आ गया होगा। सो दोस्तों, अब हम पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम देखेंगे कि वाई इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम। भारत जो है वो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, यानी कि जो जीता वो सबसे आगे, इस सिस्टम को ही क्यों अपनाता है। इसके उलट, इसके विपक्ष में एक सिस्टम PR भी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि समानुपातिक प्रणाली। समानुपातिक प्रणाली को छोड़कर इंडिया जो है FPTP क्यों अपनाता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये सिंपल है पूरी कंट्री के लिए, जो प्रोसेस है FPTP का, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, ये पूरी कंट्री के लिए सिंपल है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश, हमारी कंट्री की जो लिटरेसी है, साक्षरता है, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारे एजुकेटेड लोग इतने नहीं थे। तो उस समय पर जो भी सबसे कन्वीनियंट सिस्टम जो हो सकता था, जिससे लोगों को आसानी हो, उस सिस्टम के लिए FPTP सबसे ज़्यादा आसान था। इस सिस्टम में क्या हो सकता है कि एक मेंबर होगा, मतलब एक कैंडिडेट होगा, और हर पार्टी के अपने अपने कैंडिडेट, एक कैंडिडेट हो सकता है ABCD। अब जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, उनको क्या करना है, सिंपली अपना वोट डाल देना, या तो बी को डालना, या सी को, डी को, ए को, जो भी, जिनको भी उनका मन करे, तो वो बहुत ही सिंपली अपने कैंडिडेट को चुन सकते हैं। तो पूरे देश में चुनाव के लिए सबसे ईजी प्रोसेस है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, दिस सिस्टम्स ऑफर वोटर्स अ चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट। तो अब क्या है, इस वाले सिस्टम में, जैसे PR सिस्टम में सिर्फ पार्टी में सिर्फ डिफरेंशिएशन है, कैंडिडेट्स को सिर्फ पार्टी में वैराइटीज मिलती है। इस वाले सिस्टम में, FPTP सिस्टम में क्या है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी एक वैरायटी जो होती है वो मतदाताओं के सामने आती है, यानी कि जो वोटर्स हैं उनके लिए एक वैरायटी होती है, चाहे उनको कैंडिडेट ए को चुनना हो, या बी को, या सी को, या डी को, तो उनके लिए बहुत सारी कैंडिडेट के थ्रू वैरायटी है, यानी कि वो चुन सकते हैं कि भाई कौन सा कैंडिडेट हमारी क्षेत्र में, हमारे संसदीय क्षेत्र में काम अच्छे से कर सकता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। सो थर्ड पॉइंट फॉर द FPTP इज स्टेबल गवर्नमेंट। FPTP के चलते क्या होता है, हमें स्थिर सरकार मिलती है, यानी कि जैसे कि 545 सीट्स है टोटल लोकसभा में, तो 273 ये वाला नंबर जो भी पार्टी लेके आती है वो गवर्नमेंट में रहेगी, और अनटिल एंड अनलेस जब तक गवर्नमेंट अपनी बहुमत, अपना मेजोरिटी लूज कर देती है, उससे पहले तो ये सरकार गिरने की नहीं है। तो जनरली ऐसा होता भी नहीं कि कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी में आके बाद में गिर जाए। तो ये जो गवर्नमेंट होगी, ये स्टेबल गवर्नमेंट होगी, स्थिर सरकार होगी, और ये 5 साल के लिए चलेगी, पूरे टेन्योर के लिए चलेगी। जैसे करंट में 303 BJP गवर्नमेंट की सीट्स हैं, तो अभी ये 5 ईयर्स के लिए स्टेबल गवर्नमेंट है। तो दोस्तों, स्टेबल गवर्नमेंट से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, जो काम है, जो वर्क है, जो डेवलपमेंट है, वो एफिशिएंटली हो पाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप समझ गए होंगे FPTP सिस्टम के लिए। सो दोस्तों, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। जैसे कि आपको टॉपिक के नाम में ही समझ में आ गया होगा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, यानी कि जो संसदीय क्षेत्र है, यानी कि जहाँ से कैंडिडेट लड़ते हैं उन्हें संसदीय क्षेत्र बोलते हैं, इतना तो हमें पता है। तो अब जैसे 545 ये टोटल लोकसभा की सीटें हो गई, 545 लोकसभा की सीटें हैं। अब इसमें से कुछ जो परसेंटेज है वो बहुत सारी कैटेगरी के लिए, बहुत सारी क्या बोलूँ, स्पेसिफिकली दो कम्युनिटीज़ के लिए। तो इन दो कम्युनिटीज़ के लिए जो है रिजर्वेशन है, सीट्स जो है वो रिजर्व्ड रहेंगी। सो पहली कम्युनिटी है हमारी SC कम्युनिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति। सो दोस्तों, पहली कम्युनिटी हमारी SC कम्युनिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जाति। तो इसके लिए, इस कम्युनिटी के लिए 15% का टोटल रिजर्वेशन है, 15% का टोटल रिजर्वेशन है। तो 545 सीटों का अगर आप 15% टोटलिटी में करोगे तो वो हो जाता है 84 के आसपास। और दूसरी जो कम्युनिटी है वो है हमारी ST कम्युनिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। तो दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए जो रिजर्वेशन है वो है लगभग 7.5% का, 7.5% का, और ये अप्रॉक्सीमेटली जाता है 47। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि 545 सीट्स में से, 545 सीट्स में से 84 सीट्स पर सिर्फ SC कैंडिडेट का
एससी जो कम्युनिटी है उसी कम्युनिटी का कैंडिडेट ही जीत के आएगा। यानी कि इन 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इन 545 में से 84 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, संसदीय क्षेत्रों में, एससी कम्युनिटीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वही जीतेंगे। और अगर आप देखें इन 47 सीटों पर, इन 47 सीटों पर, इन 47 संसदीय क्षेत्रों पर कोई एसटी कम्युनिटी का मेंबर ही जीत के आएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो सारा प्रोग्राम है, ये सारा काम कौन करता है। तो ये काम जो है वो करता है डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन को हिंदी में बोलते हैं परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। तो दोस्तों इस कमीशन का काम क्या होता है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि इस कमीशन की जो अध्यक्षता है, यानी कि जो इसके जो चेयरमैन है, परिसीमन आयोग के जो चेयरमैन है, तो परिसीमन आयोग की अध्यक्षता करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, यानी कि वो है द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है उनके अंडर में जो है डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है। डिलिमिटेशन कमीशन का काम ये होता है कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी बाउंड्रीज कैसे कैसे करनी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन से क्षेत्र को कितना पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे 545 ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम ही है। तो कितनी कम्युनिटीज़ को, कितने एरियाज़ को, कितने कितने लेवल पर बांटना है, और उसके बाद पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ये एरियाज़ को बांटता है, और किस सीट पर जो है, कौन सी सीट को। जैसे मान लीजिए इस बार इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जिसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ, इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एससी कैंडिडेट जीतता है, और इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अगर मान के चलो एसटी कैंडिडेट आता है, तो इन दोनों सीट्स के लिए इस बार रिजर्व्ड की सीट आई है, यानी कि आरक्षण की सीटें जो है वो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए आई है। तो ये सारा काम करता है अपना डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से हमारा मतलब है कि एक चुनाव आयोग है हमारा, इसकी बात हम अगली स्लाइड में करेंगे। तो जो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव जो करवाता है वो किस रूप से करवाता है, तो वो एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराता है। यानी कि हमारे देश में जो है वो चुनाव कैसे होते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं और होने भी चाहिए। इसके अंदर एक चीज़ होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सर्टेन एज है, यानी कि एक ऐसी उम्र के तहत, एक ऐसी उम्र आने पर आप इस देश के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर एज है किसी सिटीजन की, अगर वो एज वो अटेन कर लेता है, उस उम्र में वो आ जाता है, तो वो वोट डाल सकता है, अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो एज है ये 18 की होती है, यानी कि आप 18 साल के जैसे ही हो गए तो आप, यानी कि लोकसभा में जो हमारे आम चुनाव होते हैं और राज्यों की विधानसभा में वोट डाल सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वोट डाल सकते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा में 18 साल की उम्र पर आप वोट डाल सकते हैं। तो दोस्तों पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले जो थी वो ये वाली जो एज थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, वो एज थी 21 वर्ष। यानी कि जब तक कोई भी कैंडिडेट जो है, जो नागरिक जो है वो 21 वर्ष का ना हो जाए, भारतीय नागरिक जो 21 वर्ष का ना हो जाए, जब तक वो वोट नहीं डाल सकता। उसके बाद 1989 के टाइम पर, यानी कि इस टाइम पीरियड के आसपास जो है वो एक अमेंडमेंट करा गया, एक संशोधन करा गया चुनाव आयोग द्वारा। और चुनाव आयोग क्या करता है कि इस वाली एज को 21 से कम करके 18 कर देता है। तो दोस्तों फ्री और फेयर इलेक्शन के अंदर आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यानी कि अब हम चुनाव आयोग के बारे में पढ़ते हैं, स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ एक चुनाव आयोग है जो कि समय समय पर चुनाव करवाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, इन 395 आर्टिकल्स के अंदर ही एक आर्टिकल 324 होगा। तो 324 आर्टिकल के क्लॉज वन में, अनुच्छेद 324 के क्लॉज वन में चुनाव आयोग के बारे में बात करी गई है कि हमारा एक चुनाव आयोग होना चाहिए, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा जो कि समय समय पर चुनाव करवाएगा। चुनाव आयोग के कार्य क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं चुनाव आयोग को। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन में हम देखते हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था। सिंगल मेंबर बॉडी से मतलब है कि हमारे चुनाव में सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चुनाव आयुक्त, दोनों एक ही हुआ करते थे पहले। तो हमारे यहाँ एक पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बट यानी कि एक ही जो है वो हेड हुआ करेंगे चुनाव आयोग के। बट 1989 के इलेक्शंस के टाइम पर ये जो बॉडी, ये जो चुनाव आयोग है, ये 3 मेंबर बॉडी कर दी गई, यानी कि 3 सदस्यीय एक संगठन बना लिया गया। अब इसमें क्या होगा कि ये हो गए एक चुनाव आयुक्त और ये हो गए दूसरे चुनाव आयुक्त, यानी कि ये जो है चुनाव आयुक्त हैं दोनों, और इनके एक मुखिया होंगे जो कि कहलाए जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त।
दीज टू पर्सन्स वर कॉल्ड नेमली कॉल्ड इलेक्शन कमिश्नर्स. ये दोनों क्या हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. और इनके जो चीफ हो गए, ये इनके चीफ हो गए, ये हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ये हो गए चुनाव आयुक्त, ये दोनों सिटीजन्स, और ये मुख्य चुनाव आयुक्त. तो 1989 के जो इलेक्शन है उससे पहले ही ये सिस्टम करा गया. यानी कि अब ये जो बॉडी हो गई, ये थ्री मेंबर्स बॉडी हो गई. अब तीन जो कमिश्नर्स हैं वो इस इलेक्शन कमीशन में हो गए हैं. पर दोस्तों 1993 के टाइम पे क्या होता है दोस्तों, फिर से ये बॉडी सिंगल मेंबर बॉडी बना दी जाती है. यानी कि एक सदस्यीय बॉडी बना दी जाती है दोबारा. इस संगठन को एक सदस्यीय संगठन बना दिया जाता है. अब 1993 के टाइम पे क्या होता है, दोबारा से सिंगल मेंबर बॉडी हो जाती है, तो सिंगल मेंबर को ही डिसीजन लेना होता है. यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस टाइम पे होंगे उनको ये डिसीजन लेना होगा. कोई भी डिसीजन अगर चुनाव आयोग के लिए होता है तो ये लेने होंगे. लेकिन 1993 के बाद ही, यानी कि इसी समय 1899 के बाद, ये जो सिस्टम है दोबारा से कुछ समय के लिए सिर्फ थ्री मेंबर बॉडी करा गया था, उसके बाद फिर सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया. लेकिन 1993 के बाद, आफ्टर 1993, ये दोबारा से थ्री मेंबर बॉडी हो जाता है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, एक बार फिर समरी में देख लेते हैं. सबसे पहले वन मेंबर बॉडी था, 1989 के टाइम पे ये थ्री मेंबर बॉडी बना दिया गया है. उसके बाद फिर दोबारा से ये वन मेंबर बॉडी बना दिया गया है इसी ही टाइम पीरियड में. 1993 के टाइम पे ये दोबारा से फिर थ्री मेंबर बॉडी बना दी गई. तो अभी तक क्या है, ये वाला सिस्टम चल रहा है दोस्तों. तीन सदस्यीय संगठन है, एक चुनाव आयुक्त होते हैं और एक और चुनाव आयुक्त होते हैं, और इनके मुखिया होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त. एक सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, उनके अंदर दो इलेक्शन कमिश्नर्स ईसीज. तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव करवाने का, और क्या क्या कार्य हैं वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे. तो दोस्तों हम अगली स्लाइड में बढ़ें, उससे पहले चुनाव आयोग की कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं. तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, ये इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट. जैसे कि हमने भी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि प्रेसिडेंट अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू. राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करती है, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये 6 साल के लिए सर्विस देते हैं. यानी कि ये 6 ईयर्स के लिए सर्विस देते हैं, या 65 वर्ष तक की आयु तक ये सर्विस देते हैं. तो दोनों में से पहले जो भी चीज़ हो जाएगी, जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चले कि कोई भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या 62 की एज में अगर सर्विस में आते हैं, यानी कि 62 की एज में उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, तो दोस्तों पहले क्या होगा, पहले 65 की एज आएगी उनकी. तो अगर 65 की एज आ गई उनकी, 65 ईयर्स के हो गए, तो अब वो रिज़ाइन हो जाएंगे. अब वो उनका जो सर्विस है, उनका जो टेन्योर है, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा. तो दोनों में से जो है वो एक चीज़ हो गई. अगर दोनों में से जो भी पहले हो जाता है, अगर वो 6 वर्ष की सर्विस दे चुके होते हैं अपने सर्विस में, तो ठीक है, अब उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो गया, कार्यकाल ख़त्म हो गया. या वो जिस भी वर्ष में है वे 65 वर्ष तक अपनी सर्विस देंगे. क्लियर है दोस्तों, या तो 6 साल तक सर्विस देंगे या तो 65 वर्ष तक सर्विस देंगे. सिंपल. और प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट की मर्ज़ी से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बने जाते हैं. प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन कौन देता है, यानी कि देश के राष्ट्रपति जी को रिकमेंडेशन कौन देता है, देश को राष्ट्रपति जी की रिकमेंडेशन मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ये सुझाव मिलता है कि हाँ जी ये होने चाहिए हमारे सीईसी. और दोस्तों प्रेसिडेंट जो है वो अगर सीईसी को नॉमिनेट करते हैं तो ये भी हटा भी सकते हैं. प्रेसिडेंट जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको राष्ट्रपति ही हटा भी सकते हैं. इसके लिए लेकिन संसद की मंजूरी चाहिए होती है. अब हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं कि चुनाव आयोग काम क्या करता है. व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग आखिर करता क्या है. तो सबसे पहला काम अगर हम देखते हैं चुनाव आयोग का, तो वो है प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, मतदाता सूची तैयार करना. दोस्तों हर बार देश में देखिए, कहीं कभी ना कभी हर बार किसी ना किसी, या तो विधानसभा में या तो लोकसभा के चुनाव चलते रहते हैं. तो इसके तहत जो वोटर लिस्ट है वो प्रिपरेट करी जाती है. यानी कि जो चुनाव आयोग है मतदाता सूची को तैयार करता है, और जो वोटर्स हैं उनके नाम या तो ऐड करता है, और जो नागरिक जो है जिनकी डेथ हो चुकी है, जो कि अब या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, उनका नाम जो है वो डिलीट करता है. तो मतदाता सूची को प्रिपेयर करता है, ये पहला काम है. उसके बाद दूसरा कार्य, टाइमिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन. जो चुनाव आयोग है वो एक तो टाइमिंग बताता है कि चुनाव कब कब होने हैं, किस किस समय पर होने हैं, कितने फेजेज़ में होने हैं. आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव जो होता है वो बहुत ही चरणों में होता है, कुछ फेजेज़ में होता है. सारे चुनाव, विधानसभा के भी कुछ चुनाव कुछ कुछ राज्यों के फेजेज़ में होते हैं. यानी कि 2 दिन एक चुनाव हुआ, फिर 3-4 दिन का गैप होगा, फिर 2 दिन एक दिन एक चुनाव हुआ, तो कुछ वोट डलते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं फेज़, कि हाँ भाई इलेक्शन फेजेज़ में हो रहे हैं, कुछ चरणों में हो रहे हैं. तो इसकी टाइमिंग जो है वो चुनाव आयोग बताता है,
और इलेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपने देखा होगा आपके एरिया में जब भी इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी प्रिपरेशंस होती है इलेक्शंस के लिए। जो सिक्योरिटी है वो आती है, बहुत सारे टीचर जो हैं आपके स्कूल के टीचर जो हैं वो हायर होते हैं और एक दिन पहले उनको बूथ पे लाया जाता है और वो प्रिपेयर करते हैं, पूरा सेटअप वेटअप लगाते हैं। तो ये टाइमिंग और प्रिपरेशन जो है चुनाव आयोग, ये भी चुनाव आयोग का ही काम है। तीसरा जो कार्य है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रीपोल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि चुनाव जो होने चाहिए वो स्वतंत्र होने चाहिए, चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली या तानाशाही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चुनाव जो है वो निष्पक्ष होने चाहिए, किसी भी प्रकार का पक्ष विपक्ष या किसी भी प्रकार का भेदभाव चुनाव में नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ देखी होगी आपने, रीपोल, इसको बाई इलेक्शंस भी बोलते हैं। बाई इलेक्शंस क्या होता है, जब चुनाव आयोग को ये लगता है कि किसी बूथ पर या किसी भी जो सेंटर है, जो वोटिंग सेंटर है, उस पर धांधली हुई है, तो चुनाव आयोग उस सेंटर के वोट्स को कैंसिल कर देता है, उस संसद को, उस संसदीय क्षेत्र को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट्स को कैंसिल कर देता है और वहाँ पे दोबारा रीपोलिंग होती है। वहाँ पे दोबारा क्या होता है, पुनर्मतदान होता है कि उस भैया इस सीट पे जो है धांधली हुई थी, आप इस पे पुनर्मतदान करवाइए। उसके बाद एक और चीज़ है, वो है आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता में क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा जब जैसे ही चुनाव आते हैं उससे 1 या 2 दिन पहले, कुछ समय पहले, 48 घंटे के आसपास, 48 आवर्स के आसपास, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैंपेनिंग करने से, प्रचार करने से रोक देती हैं। तो उसी चीज़ को कहते हैं आदर्श आचार संहिता। ये आदर्श आचार संहिता भी जो है वो चुनाव आयोग लगाते हैं ताकि जो माहौल है वो ठीक बना रहे चुनाव के समय पर। चौथा जो कार्य है, यानी कि फोर्थ जो काम है इलेक्शन कमीशन का, वो है एलोकेट सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज़। आपने देखा होगा आपके यहाँ जो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़, आपकी रीजनल पार्टी, आपकी जो क्षेत्रीय पार्टी है, उनके पास कोई ना कोई सिंबल होगा। जैसे हम देखते हैं राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो कमल है, हाथ है, हाथी है और अलार्म क्लॉक है, तो बहुत सारी जो है वो पार्टीज़ के सिंबल हैं। तो ये सारे जो चिन्ह भी है राजनीतिक दलों को, ये इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी के पास झाड़ू है, ब्रूम जो है वो उनका पॉलिटिकल सिग्नेचर है, तो उनके जो पॉलिटिकल साइंस है, ये जो इनके इंसिग्नियाज है, ये सब भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन एलोकेट करती है। तो आपको इलेक्शन कमीशन का काम समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आर चैप्टर एंड इट इज़ चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म, कि अब जो हमारे चुनाव आयोग में है इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, किन किन सुधारों की हमें आवश्यकता है। तो दोस्तों, बहुत से जो सजेशंस है चुनाव आयोग के सुधार के लिए वो इस प्रकार है। सबसे पहला जो सजेशन है वो चुनाव आयोग के लिए, वो है कि एक हद तक, कुछ हद तक, कहीं कहीं पे FPTP जो सिस्टम है उसे चेंज कर देना चाहिए PR सिस्टम में। तो FPTP के कुछ वेरिएंट्स को जो है उसको चेंज कर देना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली हर जगह नहीं रहनी चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए और वो करना चाहिए समानुपातिक प्रणाली में। तो ये सबसे पहला सजेशन है इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म्स के लिए। उसके बाद दूसरा जो सजेशन है वो है कि 1/3 जो रिजर्वेशन है, 1/3 जो आरक्षण है, वो महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग इसलिए है कि अगर संसद में या किसी भी विधानसभा में अगर महिलाएं नहीं रहेंगी, अगर विमेन सी वहाँ पर नहीं है, तो उनके हक की बात कौन करेगा, और जो कुछ हार्श टॉपिक्स है जैसे रेप हो गया या विमेन सेफ्टी हो गया, इनकी बात कौन करेगा संसद में, क्योंकि महिलाएं तो वहाँ पर है ही नहीं, और वुमेन सेफ्टी की बात कौन करेगा, या वुमेन्स की जो वर्किंग प्लेस पे हैरेसमेंट होती है, वर्किंग राइट्स जो है, इन सारे राइट्स के लिए वहाँ कौन लड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो आरक्षण है वो नहीं है, वुमेन्स महिलाएं जो है वो संसद तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इसीलिए जो दूसरा चुनाव सुधार है कि 1/3 आरक्षण, जैसे कि आपने SC ST कम्युनिटीज़ के लिए अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, SC ST के लिए, वैसे ही 1/3 वुमेन्स के लिए भी, महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो सजेशन है वो सजेशन ये है कि जिस भी कैंडिडेट के खिलाफ क्रिमिनल केस हो, यानी कि उसके खिलाफ अगर कोई भी क्रिमिनल केस होता है, तो उस समय तक उसे चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। हालांकि इसके बदले में कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर उसको हम चुनाव लड़ने से रोकते हैं तो ये उसके राइट्स का जो है वो वायोलेशन है, क्योंकि अभी तक वर्डिक्ट आया नहीं है कि वो आरोपी है या नहीं है, क्या उसने सच में कुछ क्राइम करा है या नहीं करा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ उसके लिए जो कि प्रूफ हो चुका है, जो कि गिल्टी है, तो उसको जो है आगे कभी भी चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, उसको चुनाव लड़ने का जो मौका है, जो अवसर है, वो प्राप्त नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथा जो सजेशन है वो सजेशन ये है कि चुनावी जो पार्टीज़ है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो राजनीतिक दल हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये रिलीजन का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि धर्म का इस्तेमाल करती हैं, जातियों का इस्तेमाल करती हैं, और बहुत
बड़े लेवल पे जो है कैश का यानी कि धन का जो है वो दुरुपयोग करती है, और बहुत सी सारी चीज़ें जो है मैनिपुलेट करने के लिए, इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं। तो ऐसा अगर कोई भी राजनीतिक दल करे तो उसको क्या है, सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी दंड है उसका वो उसको प्राप्त होना चाहिए। तो ये सारे जो सजेशंस हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है, सारे चुनाव सुधार ये चुनाव आयोग को दिए गए हैं। हालांकि इसमें से बहुत सी बातें जो है चुनाव आयोग समय समय पर लागू करेगा, और बहुत सी जो बातें हैं वो चुनाव आयोग ने समय समय पर लागू की भी है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, चैप्टर 2 पार्ट में था। ऐसा हो सकता है कि मुझसे बहुत सी गलतियाँ हो गई हो, तो मैं अगली बार उन्हें समय समय पर सुधारने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले एक चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।